पापा विधायक हैं तो डर कैसा, 5 साल सरकार में रहे, अब टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल कर लड़ रहे हैं। अब इनके सामने कोई पायलट जुबान चलाएगा तो तमाचा खाएगा। यही हुआ बिस्वा विधायक रामपाल यादव के बेटे ने पायलट को तमाचा जड़ दिया। क्या पार्टी छोड़ने के बाद भी इनकी गुंडागर्दी बंद नहीं हुई? रामपाल के लाल का बड़ा बवा, हेलीकॉप्टर के पायलट को जड़ दिया तमाचा। बिस्वा से सपा से विधायक है रामपाल यादव, इस बार लोक दल से सेवता से लड़ रहे हैं चुनाव। सपा ने काट दिया था रामपाल का टिकट। बिस्वा से विधायक रामपाल यादव के पुत्र जितेंद्र यादव पर हेलीकॉप्टर पायलट के साथ मारपीट का आरोप लगा है। रामपाल यादव बिस्वा से विधायक है, सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। टिकट कटने के बाद इस बार सेवता से लोक दल से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टी अध्यक्ष सुनील सिंह के साथ सीने तरीका अमीषा पटेल को आना था। हेलीकॉप्टर के आते ही हेलीपैड के पास सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बात का जब पायलट ने विरोध किया तो विधायक पुत्र व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव के साथ पायलट का विवाद हो गया। पायलट का आरोप है कि विधायक पुत्र ने उसे तमाचा मार दिया। सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने हेलीकॉप्टर से लोगों को दूर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितने लोग थे उनको हमने पीछे करने की कोशिश की, तो जिस बंदे से मेरी बात हुई उसने ये कहा कि ले जाओ वापस हेलीकॉप्टर ले जाओ। मैंने कहा आप पीछे जाइए, उसने हाथ छोड़ दिया। जब उसने हाथ छोड़ दिया, सबसे पहले पुलिस वालों की गलती है कि यहाँ पे लोगों को अंदर आने क्यों दिया जाता है। आखिर सपा के बागी विधायक गुंडागर्दी से चुनाव जीतेंगे? सपा भी छोड़ दी, विधानसभा भी छोड़ दी, लेकिन बेटे ने गुंडागर्दी नहीं छोड़ी। आखिर जितेंद्र यादव पर मामला कब दर्ज होगा? सीतापुर से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट।